हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट शॉर्ट हैंड। आज हम लेक्चर नंबर 4 करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में आर और एल का अल्फ़ाबेट के ग्रेट शॉर्ट हैंड में किया था और आज हम करेंगे एच के, इसमें के का साउंड या सी का साउंड, सी के और जी का। ठीक है, तो H का ग्रेग अल्फाबेट में जो सिंबल है वो छोटा सा एक शॉर्ट सिंबल है, और इसी तरह K का जो है कर्व है लेकिन छोटा सा, लेकिन ये ऊपर से कर्व। इसी तरह G का भी कर्व है लेकिन K के कर्व से बड़ा। तो इसी तरह हम इन कर्व्स को यूज़ करके हम वर्ड्स बनाएंगे एच के और जी से। लेट्स हैव अ स्टार्ट विथ अ वर्ड ही, जिसमें एच का साउंड होता है। ठीक है, तो एच में आपको बताया था ई का इस तरह होता है कि एच का आप ये पॉइंट यूज करते हैं और ई के लिए ये पॉइंट। ई का मैंने बताया था ई इस तरह किया जाता है। फिर जब हम ग्रेट शॉर्ट हैंड में बनाएंगे तो ये इस तरह लिख के पॉइंट ऊपर से देंगे, क्योंकि इसके नेक्स्ट से नेक्स्ट का बनाएंगे सिंबल और सबसे पहले एच का उसके ऊपर लगाएंगे। सो आ जाएं और नेक्स्ट कर लेते हैं एच से। नेक्स्ट वर्ड है हीट। ठीक है, तो हीट, हीट का मतलब है ई है। इसका पहला वर्ड अदा है साउंड में ई और टी। तो हम जब इसको ग्रेग शॉर्ट हैंड में बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, ये हो गया हीट। इसी तरह हियर है, हियर। ठीक है, तो हियर वर्ड है और हियर का आपको ई आ रहा है तो और आर आ रहा है। आर का हमने बनाया था सिंबल इस तरह है। जब हम ग्रेग शॉर्ट हैंड में बनाएंगे तो ये इस तरह। ठीक हो गया, और लेकिन एच का साउंड आना है तो ये इस तरह इसके ऊपर पॉइंट देंगे, और हीट का भी इसी तरह एच का साउंड आना है तो ये। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है होम। ठीक है, ओ मैंने बताया था, एम बताया था। ठीक है, जब हम ग्रेट शॉर्ट हैंड में बनाएंगे तो ये इस तरह, और एच की सिंबल इसके ऊपर, ये हो गया होम। चलें इस तरह आप वर्ड्स बनाएं जिससे एच की साउंड आती हो, और कुछ मैं आपको बता देता हूँ। अभी नेक्स्ट करते हैं, अल्फाबेट है के, जिसमें के की साउंड आती हो। मिसाल के तौर वर्ड है केक, ठीक है। तो केक में के का मैंने बताया था ये सिंबल है इसी तरह, तो ये हम सिंबल बनाएंगे, और ए का मैंने बनाया था इतना होगा और दोबारा के का। तो हम जब ग्रेट शॉर्ट हैंड में बनाएंगे तो ये इस तरह बनेगा, ये केक। इसी तरह आप आ जाएं, वर्ड है केम। ठीक है, इसमें के की साउंड आ रही है तो के इस तरह बनेगा, के और ए इस तरह और एम इस तरह। जब ग्रेट शॉर्ट हैंड में बनाएंगे तो इस तरह, ये हो गया केम। आगे जाएं, आगे है वर्ड केन, शुगर कैन जिस तरह होता है। के का वर्ड है, ए का वर्ड है और एन का वर्ड है, तो ये सेम। केम और कैन में, क्योंकि एम का सिंबल बड़ा होता है, एन का छोटा होता है। इसी तरह एक और वर्ड बनाते हैं जिसमें के का साउंड आता हो, वर्ड है मेक। तो एम हमने बनाया ए और के, मेक। जब हम सिंबल ग्रेट शॉर्ट हैंड में बनाएंगे तो इस तरह बनेगा, ये हो गया मेक।
ठीक है, इसी तरह हो गया मीक, मिसाल को दोहराना जी, मीक। एम का आपको पता है, ई का छोटा सा होता है, और के का ऐसा, तो जब मीक बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, ये हो गया मीक। ठीक है, तो के साउंड से हमने कुछ वर्ड्स बनाए, इसमें के का साउंड आता है। और आगे चलते हैं, जी के वर्ड्स बनाते हैं जिसमें जी का साउंड आता है। ठीक हो गया, तो जी का मैंने बताया कि के से थोड़ा सिंबल बड़ा होता है इस तरह। तो हम जब वर्ड बनाएंगे, मिसाल के तौर वर्ड है गो, इसमें जी की आवाज़ आ रही है, तो मैंने गो का बताया, जी का बताया, और ओ का, यू का इस तरह बनाते हैं। जब हम ग्रेट शॉर्टन में बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, ये गो। ठीक हो गया, इसी तरह आप वर्ड बनाते हैं गेम, जिसमें जी की साउंड आती है, जी का आपको सिंबल पता है, ए का भी पता है, और एम का भी पता है। जब हम ग्रेट शॉर्टन में बनाएंगे तो इस तरह बनेंगे, इस तरह। ठीक है, या इस तरह इसको नीचे से बनाएंगे, लेट्स सी, ये गेम। ठीक है, तो ये दिस इज करेक्ट। और इसी तरह हम वर्ड बनाएंगे गुड, जिसमें जी की साउंड आती है। ठीक है, तो जी का वो सिंबल मैंने बताया, और गुड में यू का साउंड आता है, जी यू डी, तो यू का मैंने बताया हुआ इस तरह है, और डी का इस तरह। जब हम बनाएंगे ग्रेट शॉर्ट एंड में तो ये इस तरह बनेगा, ठीक है, इस तरह बनेगा। ये जो है इसमें इसके साथ ही आ जाता है। चलें आगे चलते हैं, कुछ और वर्ड्स बना लेते हैं जिसमें जी का साउंड आता है। मिसाल के तौर वर्ड है गेट, ठीक हो गया, तो जी का साउंड मैंने बताया, सिंबल ये है ग्रेट शॉर्ट एंड में, और ए का ये है, और टी का थोड़ा सा डी से छोटा है। तो जब हम इसका ग्रीक शॉर्ट हैंड में वर्ड बनाएंगे तो इस तरह बनेगा, ये हो गया गेट। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कुछ वर्ड हैं, मिसाल के तौर एक और वर्ड है टेग, इसमें जी का साउंड आता है, तो टी का मैंने बताया था, टी इस तरह, इसे थोड़ा सा जुड़ा, तो ए इस तरह, और जी इस तरह। जब हम टेक बनाएंगे तो ये और इस तरह, ये हो गया टेक। तो आज हमने वर्ड्स बना किस एच के बनाए, के बनाए, और जी के, जी अल्फाबेट के हमने कुछ वर्ड्स बनाए, ग्रेक शॉर्ट हैंड में क्या सिंबल है। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।